जोहार, मैं हूं दशरथ प्रधान और आप देखना शुरू कर चुके हैं सोशल संवाद। सरायकला विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी गणेश महाली जी का धुआंधार दौरा जारी है और राजनगर प्रखंड के जनबनी पंचायत के आज विश्रामपुर गांव में वो पहुंचे हैं। इस दरमियान वो कई गांव इस क्षेत्र में कवर किया और यहाँ पे विश्रामपुर गांव में उनका जो है तरीके से स्वागत किया गया। पैर धो के यहाँ की महिलाएं स्वागत की और उसके साथ आप देख सकते हैं सभी जो है महिलाएं एकत्रित हुई हैं उनका संबोधन सुनने के लिए। देखिए, जिस तरह आज चुनाव दरमियान हमारा जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो हमारा पूरा प्रखंड कमेटी और हमारे क्षेत्र के जो भी हमारे पार्टी से आपका निर्वाचित मुखिया सभी लोग इस क्षेत्र के सभी वरिष्ठ लोगों का साथ एक सदन दौरा हो रहा है। उस दौरा के दरमियान में जिस तरह क्षेत्र के लोगों का एक जो समर्थन जो प्राप्त हो रहा है, जनसैलाब जो उभर कर सामने आ रहा, निश्चित रूप से हमको लगता है कि आने वाला 13 तारीख को यहाँ से झारखंड मुक्ति मोर्चा ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगा। चाईबासा की धरती में आज नरेंद्र मोदी जी का आगमन भी हुआ, फिर भी लोग जो है इस तरह का रुझान यहाँ देखने को आप देख सकते हैं। आज चाईबासा में मोदी जी का एक बड़ा जनसभा है और हमारे सरायकेला विधानसभा से एक भी हमारे समाज के लोग उस सभा में नहीं गया है, तो इससे अब स्पष्ट होता है कि इस चुनाव में आपका झारखंड मुक्ति मोर्चा एक तरफा चुनाव जीतने जा रहा, हमारे टक्कर में दूर दूर तक कोई है नहीं। आज जिस तरीके से हम फील्ड में घूम रहे हैं उससे हम लोग को लगता है कि हम लोग के इर्द गिर्द में कोई नहीं है और रहेगा भी नहीं। जो हेमंत सोरेन का जो हवा है वो हवा में बह जाएगा। और प्रखंड को नया ऑफिस भी मिला, आप लोग जो है बिना छत के कुछ दिन तक यहाँ वहाँ बैठते रहे हैं, आज आपको ऑफिस मिला, कैसे कार्यकर्ताओं के लिए छत मिल गया, क्या कुछ उसके लिए? उसके लिए कि आपको बताते हैं, चूँकि हम लोग दो जगह खोजे थे ऑफिस, लेकिन क्या बोलेंगे अनसोशल एलिमेंट जो है ना उस जगह को विरोध किया। उसके बाद फिर हम लोग ये तीसरा अवसर में हम लोग यहाँ आप हकासरे के मास्टर जी उसका खतियानी पर हम लोग वहाँ पर ऑफिस बना। उसके बाद ये जो है ना दीपक दादा का देन है और उसी का ही सब चीज़ जो है ना खर्चा बर्चा होकर के ऑफिस आज तैयार हुआ जो आज हम लोग उद्घाटन किया। आज वहाँ भी देखने को मिला जन सैलाब और यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग गांव में घूम रहे हैं, यहाँ भी बहुत खतरनाक जन सैलाब है। जीतेंगे कसम से, हम बोल रहे हैं ना 50 वोटों से जीतेंगे।